जहाँ शक्ति स्वरूप है, जहाँ धन वैभव है, जहाँ ज्ञान है, वहीं वास है श्री माता वैष्णो देवी का। माता दर्शन और श्रद्धालुओं के बीच कड़ी के रूप में दिन रात लगन से कार्य कर रहा है जम्मू एवं कश्मीर गवर्नर श्री एनएन वोहरा जी की अध्यक्षता में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। समय समय पर किए जाने वाले प्रयासों में अब दर्शनी ड्योड़ी से अर्धकुमारी तक जाने के लिए यात्रियों के पास दो विकल्प होंगे, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा नया ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। 7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 4 रिफ्रेशमेंट यूनिट्स और 2 भोजनालय निर्मित किए गए हैं। हर 400 से 500 मीटर की दूरी पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल का प्रबंध किया गया है। स्त्रियों, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए कुल 7 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस है यहाँ की 24 आवर्स मेडिकल यूनिट। रात के समय यात्री बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सके, उसके लिए पूरे रास्ते में LED लाइट्स लगाई गई हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 46,000 फूल पौधे लगाए गए हैं ताकि प्राकृतिक आभा बनी रहे, और आकर्षण का केंद्र रहेंगे रास्ते में बनाए गए फाउंटेन्स। धूप, बरसात और भूस्खलन से यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक से निर्मित शेल्टर शेड्स लगाए गए हैं ताकि यात्री यात्रा का सुखद अनुभव प्राप्त कर सके। इसके अलावा श्राइन बोर्ड के कार्यों की श्रृंखला में जुड़ चुका है कटरासियार दबड़ी से भवन तक 3 किलोमीटर लंबा मटेरियल रोपवे सिस्टम। यात्रियों के खाने पीने का सामान, प्रसाद और इमारतों के निर्माण संबंधी सामान इत्यादि जहां अब तक घोड़ों और पिट्ठू के माध्यम से भवन तक पहुंचाए जाते थे, वहीं ये सामान अब भवन तक इसी रोपवे सिस्टम से पहुंचाया जाएगा। राइड्स की देखरेख में निर्मित 5 टन सामान प्रति घंटा की क्षमता वाले इस रोपवे से जहां सामान कम लागत और कम समय में भवन तक पहुंचाया जाएगा, वहीं पैदल जाने वाले यात्रियों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, माता की संपूर्ण यात्रा की कड़ी में जुड़े भैरव मंदिर की कठिन चढ़ाई के लिए भवन पर एक उड़न खटोले का निर्माण भी किया जा रहा है। 60 करोड़ की लागत से बन रहा रोपवे सिस्टम अपने अंतिम चरण में है। भैरव से भवन तक की 3 मिनट की यात्रा का किराया मात्र 100 रूपए रखा गया है। ये सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं ताकि यात्री इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। जय माता दी।